साथ रीवा में भी धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। रीवा के बिहार नदी के किनारे बाबा घाट में विश्वकर्मा जी के मंदिर में खास पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर कलकत्ता से आए पुजारी जिन्होंने खास औजारों की खास पद्धति से पूजा की। पूरे देश के साथ रीवा में भी धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। रीवा के बिहार नदी के किनारे बाबा घाट में विश्वकर्मा जी के मंदिर से खास पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर बंगाली समाज के लोगों ने कोलकाता से विशेष पूजा के लिए पुजारी जी को यहां पर आमंत्रित किया था। कोलकाता से पुजारी जी आए, उन्होंने खास औजारों की खास पद्धति से पूजा अर्चना की। हम आपको बता दें, पूरे देश के साथ रीवा में भी धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। रीवा के बाबा घाट में विशेष पद्धति से कोलकाता से आए हुए पुजारी जी ने पूजा अर्चना की। हम आपको यह भी बता दें, पिछले 10 सालों से लगातार विश्वकर्मा समाज के लोग आज के दिन यहां पर एकत्र होते हैं, खास तौर से औजारों की पूजा करते हैं। ये हम लोग 10 सालों से काकात इस मूर्ति को रख रहे हैं यहाँ, और जो है इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो औजार बनाए हैं ईश्वर भगवान ने जो औजार बनाए हैं उसकी पूजा करवाते हैं हम लोग। जिससे जैसे निहाई हथौड़ा ये हो गया, इसकी पूजा करवाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि बंगाली जितने वो हैं वो सभी इस मूर्ति को अच्छे से पूजा करते हैं, और ये कलकत्ता से स्पेशल बुलाया जाता है। जो वो पूजा करने वाले होते हैं उनको स्पेशल बुलाते हैं, फिर वो अपने पद्धति से ही पूजा कराते हैं। पूरे हर्षोल्लास के साथ है अपने जिले में और प्रदेश से लेकर पूरे देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज विश्वकर्मा भगवान का पूजन समारोह मनाया जाता है, और पूजन समारोह के माध्यम से हम उनके गुणों को आत्मसात करने का, याद करने का ये अभ्यास करते हैं कि उनके गुण हम सब भारतीयों के हृदय में जागृत हों, कला से, कारीगरी से, विज्ञान से सब युक्त। इस उद्देश्य से ये पूजा की जा रही है सब जगह, और सभी कारखानों में, छोटे बड़े कारखाने, इंडस्ट्रियल जो भी क्षेत्र हैं, सभी जगह ये कार्यक्रम चल रहा है। आज मंदिर में विश्वकर्मा पूजन का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को हमारे यहाँ ये विश्वकर्मा पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, और अभी हमारे मुख्य अतिथि आएंगे और उसके बाद यहाँ कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा।